जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल बड़ी खबर के दौरान एक घर से हिंदू युवती के साथ निकाह कर रहे एक युवक को पकड़ लिया गया है। आरोपी साहिल युवती को 3 महीने पहले नोएडा से भगाकर ग्वालियर ले आया था और शुक्रवार को युवती को आगरा लेकर आया है, जहाँ पर धर्मांतरण करने के बाद निकाह करने की तैयारी कर रहा था। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के आगरा से निकल कर आ रहा है और युवती ने बताया कि साहिल उसे नमाज पढ़ाना सिखा रहा था और साथ ही नॉनवेज खिलाने की कोशिश कर रहा था। उसने उसका नाम रचना से बदलकर रुखसार कर दिया है ताकि उसके हिंदू पहचान ना हो सके और फिलहाल युवती को हिरासत में लेकर और युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार साहिल आगरा के प्रकाश नगर का रहने वाला है और शुक्रवार ही वह युवती को लेकर अपने जान पहचान वाले घर पर चला गया था और यहीं पर चोरी छिपे युवती से निकाह करने की तैयारी कर रहा था। इसके लिए वह मौलवी का इंतजार कर रहा था और निकाह से पहले युवती का धर्मांतरण भी वह करा चुका था। बताया जा रहा है कि बीच मोहल्ले में होने के कारण पता चल गया था और लोगों ने वहां पर हल्ला कर दिया और उसके बाद दोनों को ही पकड़ लिया गया है। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचने के बाद दोनों को हिरासत में लिया है और पुलिस थाने लेकर पहुंचे हैं, जहां पर पूछताछ की जा रही है। तो दोस्तों बड़ी खबर थी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट अपनी राय जरूर दें।